कि शुगर की दवा फ्री कब देते हैं और ये सही में देते हैं फ्री में? बिल्कुल, शनिवार और मंगलवार को मैं शुगर की दवा फ्री देता हूँ। अच्छा हाँ, ये बहादुरगढ़ का इलाका है जहाँ आप बैठे हैं, जी, शनिवार और मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। मोतिहारी जिला चंपारण और चीनी 270 260, अभी एक हफ्ता दवा खाने पर 130 हो गया और 97। और आज भी मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो कल सबको शुगर होना है, क्योंकि आम आदमी आज जो है 10 चीज़ों में से, जो खाने की 10 चीज़ें हैं उसमें से 8 चीज़ें डायबिटिक ले रहा है, वो उसको पता नहीं है, वो ले रहा है। वो अच्छा। क्या ले रहा है? वो ब्रेड ले रहा है, बिस्कुट ले रहा है, पिज्ज़ा ले रहा है, कोक ले रहा है, चिप्स खा रहा है, पेस्ट्री ले रहा है, केक्स ले रहा है, बिल्कुल, और हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहा है। बीमारी कोई भी होगी हैवी एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहा है, वो पेन की तरह पैसे डाल रही है। ओह माय गॉड। जिस भी आप शादी ब्याह में जाते हो, पार्टी में जाते हो, 99% जो वहाँ का भोजन है जी जी वो डायबिटिक है। ओ आप जाओगे, आप शौक से खाओगे, बिल्कुल, लेकिन आप जो है प्यार से शुगर भर लेके। जी मेरा नाम राजेश है, मैं बल्लभगढ़ से आया हूँ, फरीदाबाद से। तब मैं यहाँ पे आया तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से जो 15 दिन की मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने से पहले मेरा क्या था, 200+ था शुगर लेवल, 200-230 अप्रॉक्स इतना रहता था आफ्टर फास्टिंग। और फास्टिंग का मेरा होता था अप्रॉक्स 150-140 मेरा भाव था। तो 15 डेज बाद मैंने यहाँ से दोबारा मैं मेडिसिन लेने आया, तो अभी मेरा जो है आफ्टर फास्टिंग जो आ रहा है 150, और फास्टिंग का मेरा 110-115 नियर अबाउट रहता है, 104 ऐसा रहता है मेरे को। मतलब मैंने यहाँ से क्या मेडिसिन के साथ में मैंने अपना प्रिकॉशन वगैरह जो भी इन्होंने मेरे को बताया डाइट चार्ट वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मैंने दवाई ले गया। 10 दिन के अंदर मेरा 200 शुगर था, अब 800 हो गया, 10 दिन दवाई खाए। हाँ सब भाइयों से अनुवेदा की जिसको शुगर है वो मिश्रा जी से आके अपना एक बार इलाज कराए, चेक करा। मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि यहाँ से दवा लेने के बाद आराम हो जाता है, तब मैं वहाँ से यहाँ आई थी, तब मैं अब दवा ली हूँ तब मुझे आराम हो गया। पथरी का भी था, पेट में पानी भी था और शुगर भी था, हर चीज के लिए आराम हो गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक छोटा सा परिचय दीजिए मेरे साथ। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद आचार्य हूँ और जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक दवा से रोगों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब, जो मुझे यहाँ मैं आप आया हूँ वो यही पता चला है कि आप शुगर की दवा फ्री देते हैं। हाँ जी ठीक है, तो मेरा सबसे पहले यही आपसे क्वेश्चन है सर कि शुगर की दवा फ्री कब देते हैं और ये सही में देते हैं फ्री में? बिल्कुल, शनिवार और मंगलवार को मैं शुगर की दवा फ्री देता हूँ। अच्छा हाँ, ये बहादुरगढ़ का इलाका है जहाँ आप बैठे हैं, जी, शनिवार और मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा, सबको अच्छा। दवा दी जाती है। तो शुगर से बचने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, या दवाई जिंदगी भर खाएं या कुछ बच पाए? नहीं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ जिनको शुगर नहीं है जी तो बचो कम से कम। हाँ वही हमारे कहने वाला कि शुगर की दवा ही देंगे आप या उसको बचने के लिए कोई उपाय बता सकते? जिनको नहीं है शुगर वो कम से कम, मैं तो कहूँगा शुगर से बचे, उनके लिए टिप्स देना चाहता हूँ। कैसे बचे सर? उसके लिए देखिए मैदा और मैदा से चीनी बची बनी मैदा और मैदा से बनी हुई चीज़ें का अवॉइड कीजिएगा, मैदा और मैदा से बनी हुई चीज़ें। और अपने डेली डाइट में जी फल है, फ्रूट है, जूस है, सलाद है, सूप है, ये ऐड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए ऐड कीजिए। अच्छा, अगर आपने ये 40-50% तक फल फ्रूट जूस सलाद को ऐड नहीं किया तो यू कुड बी द डायबिटिक पेशेंट इन फ्यूचर। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड सर्टन बात है, ये होगा ही होगा। बिल्कुल, आप ये भी कह रहे थे कि आज नहीं तो कल सबको शुगर होना है। बिल्कुल, आज नहीं तो कल सबको शुगर होना है, बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। और आज भी मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो कल सबको शुगर होना है, क्योंकि आम आदमी आज जो है 10 चीज़ों में से, जो खाने की 10 चीज़ें उसमें से 8 चीज़ें डायबिटिक ले रहा है, वो उसको पता नहीं है, वो ले रहा है। वो अच्छा। क्या ले रहा है? वो ब्रेड ले रहा है, बिस्कुट ले रहा है, पिज्ज़ा ले रहा है, कोक ले रहा है, चिप्स खा रहा है, पेस्ट्री ले रहा है, केक्स ले रहा है, बिल्कुल, और हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहा है। बीमारी कोई भी होगी हैवी एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहा है, वो पेन की तरह पैसे डाल रही है। ओह माय गॉड। जिस भी आप शादी ब्याह में जाते हो, पार्टी में जाते हो, 99% जो वहाँ का भोजन है जी जी वो डायबिटिक है। ओ आप जाओगे, आप शौक से खाओगे, बिल्कुल, लेकिन आप जो है प्यार से शुगर घर लेके आ जाओगे आप, तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, खान पान पे अवॉइड करना, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। आप ग्रोसरी भी लाते हो, वालों राशन का सामान लाते हो, उसमें कुकीज ले आए, मैदा ले आए, नूडल्स ले आए, ये जो चीज़ लेके आते हो आप शुगर लेके आ रहे हो अपने घर पे। बिल्कुल, तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा।
वैसे एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, आज के समय में आयुर्वेद में भी बाकी भी लोग कहते हैं टेंशन और स्ट्रेस से भी लोगों को शुगर बढ़ता है, ठीक है, तो टेंशन तो हमको लगता है लोगों के लाइफ में जब तक वो जिंदा है तब तक है, बचपन में पढ़ाई का, जवानी में कमाने का, बुढ़ापे में बच्चे को अपने बच्चे को ठीक करने का, ये तो जिंदगी भर लगा है, इसको कैसे सही किया जाए? नहीं, आजकल जो अंडू प्रेशर ले रहे हैं लोग, अंडू प्रेशर, बिजी फॉर नथिंग, जैसे वैज्ञानिक में इसको कुछ बताइए आप वैज्ञानिक तरीके। देखो, जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा होता है। अच्छा। लेकिन जब हमने टेंशन ली, स्ट्रेस लिया, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में आ जाता है। अच्छा। ताकि ताकत देने के लिए ये ग्लाइकोजन वही है जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन जब हम टेंशन लेते हैं तो ये ग्लूकोजन ब्लड में आ जाता है, तो आपकी ब्लड की शुगर को बढ़ा जाता है। अच्छा। क्योंकि यूटिलाइज तो हो नहीं पाया वो, क्योंकि टेंशन ले रहे आप, बॉडी ने उसको भेज दिया ब्लड के अंदर, तो आपकी शुगर बढ़ गई। 80% तो जो आजकल है लोगों को स्ट्रेस से हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया था जी, मेरी जॉब चली गई थी जी, मेरा ऐसा हो गया था, फिर ऊपर शुगर हो गई थी, तो होती है टेंशन, उसको अवॉइड करो। पुराने जमाने में लोग कहते थे कम खाओ गम खाओ, थोड़ा सा पीना भी सीखो गम को। एक बार और मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्या आपकी कोई दूसरी ब्रांच है दिल्ली में भी? हाँ, मेरी दूसरी ब्रांच पीरागढ़ी दिल्ली में है, यहीं से बिल्कुल नजदीक ही पड़ती है पीरागढ़ी। वहाँ भी क्या दवा फ्री देते हैं? हाँ, शुगर की दवा वहाँ भी मिलती है, फ्री देते हैं शनिवार और मंगलवार को, वहाँ दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। अच्छा। वो भी शुगर की दवा फ्री देते हैं शनिवार और मंगलवार को। माने हमें लग रहा है आपकी एक मुहिम है पूरे भारत में शुगर मुक्त। बिल्कुल साहब, देखो अगर मेरे जैसे 10-5 डॉक्टर इकट्ठे हो जाए और सब शुगर के लिए पीछे पड़ जाए तो शुगर जो है पूरे भारतवर्ष से गायब हो जाएगी। बिल्कुल। और ये करना है, करना है, ये एक सामाजिक कार्य है, सबको सहयोग से करना है, तब ये महामारी जाएगी, नहीं तो बीमारी बढ़ रही है, इसको रोक सको तो सब मिलकर रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माने लोगों को अवेयर करने का काम आपने जो ये जीमा ले रखे हैं डॉक्टर साहब, और हमें लगता है कि अभी कितने लोगों को आपने ठीक कर दिया होगा डॉक्टर साहब? लगभग हजारों लोगों को दिया, हजारों लोगों, उनका सबके इंटरव्यू पड़े हुए हैं साहब, और जिसको मैं ठीक कर देता हूँ ना तो उसको मैं कहता हूँ किस गांव से आप, बोल लीजिए मैं तो गाजियाबाद से आऊँ। मैंने कहा गाजियाबाद में जहाँ रहते हो ना तुम मेरे रिप्रेजेंट हो। अच्छा। जो ने मैंने बताया ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो चीजें सब लोगों को बताओ, सब लोगों को, ताकि जिनको शुगर नहीं उनको शुगर तो ना हो, शुगर ना हो, और आपकी शुगर कैसे ठीक हुई थी लोगों को बताओ, ताकि मोटिवेट हो सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और ये मुहिम आपका मैं भी चाहूंगा, मैं भी लोगों से कहना आप शुरू करूंगा, और यही तलाश में मैं आपके देखिए बनारस चल के आपके पास आ पाया हूँ कि लोगों को बता पाऊँ कि लोग शुगर मुक्त कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मान लीजिए ये तो आपका बहादुरगढ़ है, बाकी दिल्ली में कौन से दिन बैठते हैं आप? देखो मैं दिल्ली में केवल संडे को मिलता हूँ, ओनली संडे को, मैं यहाँ से 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ और 4 बजे तक रहता हूँ। अच्छा, 11 से 4 आप दिल्ली जो पीरागढ़ी ब्रांच पे? हाँ, टोकन से जो नंबर लेके आ जाते हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा। और एक दिन में 150 मरीज ज्यादा नहीं देखता, 150 देखते हैं बस, फिर भी बहुत है डॉक्टर साहब, इतना आप देखते हैं। पहले 100 देखते थे, पर लोगों का प्रेशर ज्यादा पड़ा, क्योंकि कोई कलकत्ता से आया, कोई बनारस से आया, कोई कानपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, तो सबको अटेंड करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मान लीजिए किसी को शुगर हो गया, ठीक है, वो नाड़ी चेक कराने के लिए या आपको दिखाने के लिए खाली पेट आना जरूरी है उसको? नहीं, देखो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो खाली पेट बैठ रहते हैं, और फिर यहाँ नंबर लगने में हो सकता है 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि खाली पेट ना आए, कुछ ना कुछ हल्का भोजन लेके आ जाए। मान लीजिए कोई गाजियाबाद से आ रहा हो, कोई मेरठ से आ रहा हो, कोई आगरा से आ रहा हो, तो बिल्कुल खाली पेट नहीं आना, खाली पेट ना आए, कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि नाड़ी देख ली जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पूरी एक्यूरेसी आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब एक बताओ, ऐसा क्या देते हैं आपकी लोग शुगर ठीक हो पा रहा है? आपका कहीं कहना है, बाकी मैंने बहुत से यूट्यूब पे भी देखा हूँ कि बहुत लोग का आपका इंटरव्यू है कि लोग बहुत दूर दूर से ठीक होके आपके यहाँ से जा रहे हैं, तो ऐसा क्या दवा में देते हैं जो लोग ठीक हो जा रहे हैं? देखिए हम दवा तो दे रहे हैं, मेरे गुरुदेव की दवा भी है साथ। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये आयुर्वेदिक दवा है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और ये गुरुदेव की कृपा से मुझे मिली है। अच्छा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जड़ी बूटी एक खास नक्षत्र और खास ग्रह में उखाड़ी जाती है। अच्छा। और जब हम लोगों को दे रहे हैं और उसके साथ हम डाइट चार्ट दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखो परहेज करना बहुत जरूरी है, जिस गलती की वजह से वो बीमार पड़े थे उस गलती को तो सुधारना है ना। बिल्कुल। तो वो जब डाइट चार्ट देते हैं और ये चीज देते हैं ना, तो लोग ठीक होते हैं। जिसकी 400 शुगर आ रही थी वो कहते हैं 150 आ गई मेरे को। अच्छा। मेरे को चिंता ना करो, खाली पेट 100 आएगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक बात और, मान लीजिए कोई शुगर की दवा आपके यहाँ लेने आता है, ठीक है, वो फ्री में ले लेता, बाकी शुगर के पास जिसको भी शुगर है ना, उसको थायराइड, बीपी, कुछ ना कुछ और अलग से रोग उसको रहता ही रहता, क्या उसका भी दवा का पैसा लेते हैं या वो फ्री में इलाज करते हैं? नहीं, देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए क्या है, शुगर की दवा फ्री दी जाती है, ठीक है, क्लियर बात हो गई। उसके अलावा अगर उनको एलिमेंट्स है, कोई बीमारी है, उनको मोटापा है, उनको लीवर की प्रॉब्लम है, उनको थायराइड है, उनको
और कुछ भी है, हाँ, कुछ उसका चार्ज लगता है। अच्छा, उसका नॉर्मल चार्ज लगता है, ठीक है जी। वो चार्ज ही मिल करके ही तो हम शुगर की दवाई का खर्चा उठा पाते हैं। अच्छा, ठीक है, फ्री बांटने के लिए भी तो खर्चा चाहिए होता है ना। बिल्कुल, तो वो जो चार्ज मिलता है उसका ही सेवा शुगर की फ्री दवा लगाने के बाद देते हैं। मतलब बीपी का पैसा लेते हैं तो शुगर में फ्री दे देते हैं। हाँ, वो चल है, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कोई थायराइड का दवा लेता है तो बीपी शुगर का में आप उसको फ्री दे देते हैं। नहीं, शुगर की दवा तो फ्री है, वही उसके अलावा कोई बीमारी उसको है तो उसके चार्ज लगते हैं। भाई जो चार्ज आप लेते हैं वही तो फ्री दे रहे हैं, वही उसको फ्री दे देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को शुगर हो गया हो, ठीक है, तो उसको क्या लक्षण है, क्या बीमारी और हो सकता है? देखिए, जब भी किसी को शुगर होती है तो शुगर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये 25 बीमारी को ले आती है। वो हार्ट का मरीज बन गया, वो शुगर का मरीज तो था ही, वो हार्ट का मरीज बन गया, बीपी का मरीज बन गया, थायराइड का मरीज बन गया। अच्छा, और जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन गया, ट्राइग्लिसराइड का मरीज बन गया। क्योंकि जब भी शुगर हमारे ब्लड में बढ़ती है तो वो शुगर ब्लड के साथ घूमती है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है नीचे से ऊपर तक घूमता रहता है, ठीक है जी। अब वो शुगर भी घूम रही है, तो जहाँ जहाँ इजी अप्रोच थी, जहाँ जहाँ ढलान थी, वहाँ शुगर वो जम गई, तो वो न्यूरोलॉजी का केस हो गया, यानी कि पैर सुन हो गए, कंधे सुन हो गए, तो वो जो है एक तरीके से तंत्र खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो न्यूरो का केस बन गया वो। ऐसा ही ये ब्लड हार्ट में चला गया, अच्छा, हार्ट की आर्टरीज में चला गया, तो क्या है, आर्टरीज ब्लॉक होने लगेगी, खून गाढ़ा हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो बीपी हो गया, क्योंकि पंपिंग करने में हार्ट को दिक्कत आएगी, तो बीपी का पेशेंट बढ़ गया। तो शुगर एक है बीमारी, अनेक 25 ले जाता है। अच्छा, शुगर की बीमारी में डॉक्टर, नपुंसक भी लोगों का बिल्कुल जाती है, वो ना बताए अलग मैटर है। अच्छा। लेकिन 90% चांस है पूरे के पूरे, क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता ना। ओह माय गॉड, तो मैं कहता हूँ ये बीमारी ना हो तो अच्छा ही है, ना हो तो अच्छा। हाँ, ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए तो हम मुहिम चलाने के, ना हो ऐसे उपाय कीजिए। आप लोग तला गुना ज्यादा फास्ट फूड ना लीजिए। देखिए, हो गए हैं तो ठीक है, हम दवा दे ही रहे हैं, मुहिम चला ही रखिए, हम तो चाहते हैं ना हो तो अच्छी बात है। तो एक मैनेजमेंट बनाइए कि भविष्य में शुगर ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब से अंग्रेजी दवा आया हुआ है, ठीक है, तब से देख रहा हूँ वैद्य आयुर्वेदिक की जो वैद्य लोग हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? नाड़ी वैद्य लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, क्या है कि नाड़ी वैद्य एक परंपरा है, कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में नाड़ी का परीक्षण नहीं कराया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। मैं लकी हूँ कि मेरे फोर फादर्स आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। अच्छा। मेरे दादाजी रहे हैं, तो ये नाड़ी की परंपरा हमारी शुरू से चली आ रही है। अच्छा। तो मुझे ये विरासत में मिली हुई है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपके पहले भी लोग, दादाजी, पिताजी लोग करते हुए आए हैं, इसलिए कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप कर। और आज जो क्या है कि बच्चे जब आयुर्वेदाचार्य में जो लेते हैं एडमिशन, संस्कृत में ही आयुर्वेद है। अच्छा, मैं शायद पूरी इंडिया में एक दो बच्चे आदमी होंगे जो संस्कृत से ग्रेजुएट होकर आयुर्वेदाचार्य बने हैं। अच्छा, क्या डिग्री है डॉक्टर? मैं BAMS आयुर्वेदाचार्य हूँ। अच्छा। लेकिन संस्कृत से ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर साहब ने कहा था आयुर्वेद आएगा संस्कृत से। अच्छा। हाँ, बिना आयुर्वेद संस्कृत के, बिना संस्कृत के आयुर्वेद नहीं आएगा। तो उन्होंने पहले मेरा ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद आयुर्वेद आचार्य की डिग्री कराई है। अच्छा। तो यानी कि आयुर्वेद के बिना आप नहीं कर सकते। तो पूरा ज्ञान मिला हुआ है, तो जब तक संस्कृत आएगी तो आयुर्वेद ही से ही आएगी, तो वो पूरा ज्ञान विरासत से मिला है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है लोगों का। देखना साथियों, डॉक्टर साहब ने एक से बढ़कर एक आपको जानकारी दिए हैं कि सबसे पहले शुगर से या किसी भी रोग से बचना है तो खान पान पे सावधानियां रखिए, ध्यान रखिए, तभी आप स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे साथियों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँ, देखिए आज बीमारियां ज्यादा फैली है, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम बहुत फैल रहा है, ये आप खान पान से और एक व्यवस्थित जिंदगी करके ही, एक डाइट प्लान, एक व्यवस्थित खान पान करके ही आप इसको कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा में क्या खाना है, क्या पीना है, शुगर से कैसे बचो, बीपी से कैसे बचो, हार्ट से कैसे बचो, वो सारा हमने बताया हुआ है, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस बेस से बताया हुआ है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखा करें, मैं रोज़ रोज़ नई चीज़ें, नई नई टिप्स डाल देता हूँ, जिससे आप कैसे स्वस्थ रहें, स्थायी हों, चिराई हों, तो आप उसको फॉलो करें, और जितना भी खाएँ कम खाएँ, अच्छा खाएँ। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।